नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डोरमेट। मैंने ये डोरमेट बनाया है, इतना अभी थोड़ा सा रह गया है। मैंने यहाँ से शुरू कराया है, ये 32 फंदों में, 32 फंदों में और दो कलर लगाए हैं। ये दो दो सिलाइयाँ बनाई हैं मैंने, दो सिलाई वाइट की और क्रीम है कलर, और दो सिलाई हमारी रेड की है। तो इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे। इसे यहाँ से हम एक एक फंदा इसमें घटाएंगे, एक एक फंदा छोड़ते हुए बनाएंगे। मैं सैंपल में बना के दिखाऊंगी आपको। इसमें मैंने 15 फंदे डाले हैं और ये मैं शुरू से ही इसमें ये धागा लगा जोड़ देंगे। हम इस तरह से लगा देंगे, चाहे आप इस पे गांठ बांध दीजिए यहाँ पे, चाहे इस धागे को आप आगे ले जाते जाइए तरह से। ऐसे इसको यहाँ फंसा दीजिए ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे धागा फंदा घुमा दीजिए ऐसे करके, इसको आगे कर दीजिए ऐसे। जब भी कभी धागा जोड़ना हो इसी तरह जोड़ना चाहिए, और आगे ले जा सकते हैं आप इसे। इस तरह से बनाते हुए हम एक फंदा ये रेड छोड़ देंगे लास्ट में। हर सिलाई पे हम छोड़ते जाएंगे, हर उल्टी सिलाई पे इधर आएंगे जब, और इस तरफ से हम ऊपर घुमा दिया धागा, फिर ये पहला वाला फंदा बुनेंगे नहीं, फिर हम पूरी सिलाई फिर उल्टी बुनेंगे। दोनों तरफ से हमने उल्टा बुनना है, उल्टी सिलाई भी उल्टी और सीधी सिलाई भी उल्टी। देखिए लास्ट का फंदा इस साइड का हम सीधा बुनेंगे, ऐसे सीधा बुन लिया इस तरह से, और फिर दो सिलाई होगी इसकी वाइट की, दो सिलाई हम रेड की बनाएंगे। फिर इस सिलाई में इसको उल्टे फंदे को बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई में बुनती हुई आगे इधर तक, और ये यहाँ पे ये वाइट फंदा छोड़ देंगे एक, फिर घूम जाएंगे पीछे को, इस साइड को धागा भी हम पीछे ऊपर घुमा लेंगे अपनी साइड घुमा के इस फंदे को फिर बुनना नहीं हमने, फिर पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे लास्ट वाला फंदा छोड़ के, लास्ट वाला सीधा बुनना है। ये लास्ट फंदे पे आ गया, हम धागा नीचे करेंगे इसे सीधा बुन देंगे, सीधा बुन दिया। फिर धागा इस तरह से दूसरा धागा लगाएंगे हम, फिर इस सीधा फंदा जो बना था पीछे से उसे उल्टा ही बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई यहाँ तक ले आऊँगी मैं, उल्टा बुनेंगे दो फंदे छोड़ के, दो फंदे नहीं अब हमारे तीन फंदे छूट जाएंगे, तीन फंदे छूट गए धागा ऊपर करा, और फिर से हम घूम गए यहीं से, इसको बुनेंगे नहीं और आगे हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। इसको बुनते क्यों नहीं है, क्योंकि हम यदि हम बुन लेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप बहुत बन जाएगा। देखिए ये थोड़ा गैप बन रहा है ना, जाली बहुत आएगी जब हम यहाँ से इस तरह से बनाएंगे यहाँ से, तो जाली आ जाएगी यहाँ पर, ये हमारा ये घटता जाएगा, ये ऐसे घटता जाएगा, एक ही फंदा करके यहाँ आ जाएंगे हम, ऐसे घटता जा रहा है ना ये देखिए। अरे चेन इसलिए बना रहे हैं हम यहाँ पे सीधा, ये हमारी चेन सी आ जाएगी किनारे, जैसे कि ये आ रही है हमारी, ये थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो मैं आपको यहाँ तक, जब यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, पाँच फंदा छोड़ के हम पाँच फंदे यहाँ पर बुनेंगे नहीं, उसके बाद उसके सारे बुन लेंगे। यहाँ पर मैंने सात फंदे नहीं बुने हैं, सात फंदे रहने दिए मैंने, और बाकी सॉरी यहाँ पे देखिए ये सात फंदे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सात फंदे रहने दिए मैंने। देखिए अब हमारे पांच फंदे बचे हैं, पांच फंदों को बुन लिया मैंने इस तरह से। ये पांच नहीं बुनेंगे हम, क्योंकि छोटा है, इसमें पांच छोड़े हैं मैंने, और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी इसी से बुन लेंगे। इसमें कोई फंदा नहीं छोड़ना हमने, देखिए इसमें कोई फंदा नहीं छोड़ना है, ऐसे गैप दिखेगा इनको बुन लेंगे ऐसे इस तरह से। इस तरह से फिर उल्टी सिलाई, ये सीधी सिलाई भी उल्टी बुनेंगे, सीधी साइड से है देखिए, सीधी साइड है, उल्टा उल्टा धागा नीचे करा सीधा बनाया,
फिर उल्टी सिलाई। इस बार में हम चार सिलाई है वाइट की सीधी उल्टी उल्टी बुनेंगे, जैसे इस तरह से आ जाएगा। फिर ये चार बार बुनेंगे हम तो ये दो लकीर आएंगे हमारी ऐसे। चौथी सिलाई है हमारी, चौथी सिलाई भी पूरी कर लेते हैं। धागा नीचे सीधा बुन देंगे। चार सिलाई हमने बना ली तो ये दो हमारी लाइनें अच्छे से आ गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, उल्टी साइड से हमने रेड कलर लगाना है। उल्टी साइड से रेड कलर लगाएंगे, पांच फंदे बुनेंगे उल्टी साइड से, तीन और दो पांच, पांच फंदे बुन के यहीं से हम वापस हो जाएंगे। पहले फंदे को बुनेंगे नहीं, पहले फंदे को बुनेंगे नहीं और इस तरह से आगे चार फंदे बुनते हुए लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर वाइट से बुनेंगे, वाइट से हम छह फंदे बुनेंगे। ये पांच हो गए और एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे इसमें, एक फंदा बढ़ गया धागा ऊपर करके फिर वापस हो जाएंगे। इसी तरह से हम ये ऐसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से तो हमारे घटते गए थे पहले, यहाँ से हमने घटाए थे, ये जो घटे थे हमारे एक एक एक, अब यहाँ से हमारे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये है, ये घटे हैं एक एक एक, फिर यहाँ से हम इस तरह यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। दो दो सिलाई में एक 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 फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। पहले फंदे को हम बुनेंगे नहीं, नहीं तो गैप हमारा बहुत आ जाएगा। इस तरह से बना लेंगे लास्ट का फंदा सीधा। अब रेड कलर लगा लिया मैंने, रेड कलर से बुनेंगे अब आठ फंदे। वाइट से सात बुने, अब आठ बुनेंगे। ये एक यहाँ से ये ले लेंगे और यहाँ से फिर घूम जाएंगे हम। इसी तरह से मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, एक रह जाएगा जब तब दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, घूम गए हम। अब एक बार और बनाएंगे, पहला फंदा नहीं बुना हमने, बाकी उल्टा बना लेते हैं सारी लाइन। इस कली की हमारी है लास्ट सिलाई है, कली पूरी हो जाएगी, इसे पूरा बुन देंगे अब लास्ट तक हम। ये एक फंदा इसमें आ जाएगा, ये बड़ी है एक फंदा, ये कली पूरी हो गई। अरे उल्टी सिलाई उल्टी कर देंगे, एक सीधी सिलाई भी उल्टी उल्टी बुन देंगे। यहाँ से उल्टा बनता बनाते हैं हम, लास्ट तक जाएंगे। देखिए लास्ट का फंदा हमारा सीधा, इसको सीधा बना देंगे। ये बन गई हमारी एक कली है। अब यहाँ से चाहे आप दूसरा कलर लगा दीजिए, जैसे मैंने ये नीला कलर लगाया है, यहाँ से लगा लीजिए। पहले वाइट कलर लगा के, पहले तो वाइट से बुनेंगे आप, और फिर जो है यहाँ से चाहे यहाँ से आप ये जो मैंने मैरून कलर लगाया रेड कलर, इसी में भी यहीं से नीला कलर लगा दीजिए यहाँ से स्टार्ट करके, फिर आपकी वाली कली बन जाएगी ऐसे। इसी तरह से बनती जाएगी, मैंने अभी थोड़ा सा बनाना है ये, और फिर इसे हम इस तरह से यहीं पे दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें टाइम लग जाएगा बनाते हुए, ऐसे जोड़ देंगे इसे। चाहे आप इसे खोल के जोड़ लीजिए, चाहे सिल के ऐसे करके बना लीजिए, और बीच में इसे ऐसे करके सुई से इकट्ठा करके खींच के और ऐसे बना देना है।